गोल्डन डायमंड में ना ऐसे ईयर रिंग का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड देखने को मिल रहा है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है एंड इट्स वेरी इजी टू कैरी। अगर आप वैकेशंस के लिए जा रहे हो या फिर डेली पहनना है या ऑफिस में, तो ये वाले ईयर रिंग्स ऐसे है कि हर आउटफिट में हर जगह फिट हो जाते हैं। तो हर टाइम ट्रेडिशनल ज्वेलरी हम लोग नहीं पहन सकते हो, तो ऐसे वाले डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। तो आज के वीडियो में जो गोल्डन डायमंड की ईयर रिंग स्टार्ट हो रहे जस्ट 2 ग्राम से, एंड ये खास कलेक्शन मैंने लाया है आपके लिए हैदराबाद से, तो इसको एंड तक जरूर देख। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लंबे टाइम से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप लोगों को देखनी है ब्लू स्टोन की ज्वेलरी, बिकॉज जब मैं अहमदाबाद में थी तो आप लोगों ने ब्लू स्टोन का काफी सारा कलेक्शन देखा है, एंड आप लोगों को पता है ज्वेलरी काफी सुंदर होती है। फाइनली फ्रॉम हैदराबाद टुडे वी आर गोइंग टू सी ब्लू स्टोन ज्वेलरी। तो इस वक्त मैं हूँ ब्लू स्टोन ज्वेलरी में, पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड यहाँ पे अभी एक कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें अगर आप कुछ परचेस करते हो एंड लकी ड्रॉ को मिलने वाली है ब्लू स्टोन की ज्वेलरी, तो फटाफट जाइए ये सारे ऑफर्स आप अवेल कर दीजिए। कुछ भी पसंद आता है तो ब्लू स्टोन हर सिटी में होता ही है, बट स्पेसिफिकली इस वीडियो में से कुछ पसंद आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फोन नंबर एंड ये वाले स्टोर का पूरा एड्रेस मिल जाएगा, आप इनको कॉन्टेक्ट करके जरूर चेक कर सकते हो। तो चलो फिर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे चलते हैं हमारे ब्लू स्टोन की ज्वेलरी की तरफ फ्रॉम हैदराबाद। सो फ्रेंड, दिस इज अ ब्यूटिफुल ब्लू स्टोन स्टोर लोकेटेड एट नेक्सस मॉल हैदराबाद। तो अगर आप मॉल में घूमने के लिए आ रहे हो तो आप यहाँ से कुछ ज्वेलरी भी परचेस कर सकते हो, कुछ पसंद आता है तो दैट्स अ मेन बेनिफिट कि ये मॉल में है। एंड दिस इज अ बिग बिग गोल्ड अपग्रेड, जहाँ पे आपको 18 कैरेट गोल्ड विल बी वैल्यूड एट 22 कैरेट गोल्ड। तो इसको बिल्कुल मिस मत करना, ये वाली जो स्कीम है या जो अपडेट है ना ब्लू स्टोन की तरफ से, इसको बिल्कुल चेक करना। तो मैं थोड़ा सा ही आपको ये स्टोर का टूर करा रही हूँ, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड लाइट वेट कलेक्शन यहाँ पे है। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट ईयर रिंग, तो गोल्डन डायमंड के है, कुछ 22 कैरेट गोल्ड के भी इसमें है। 3.17 ग्राम का है, 87,274 के आसपास प्राइस आएगा। 54 सेंट्स के डायमंड्स लगे हैं, मोस्टली सबका IJ कलर है, SI क्लैरिटी है। तो इनकेस अगर आपको टैक्स से परचेस करना है तो वो भी आप कर सकते हो, बट बेटर एक्सपीरियंस विल बी ऑलवेज टू विजिट एट द स्टोर। एंड मैं थोड़ा सा ट्राई ऑन करके आपको दिखा रही हूँ ताकि थोड़ा सा आपको और आइडिया आ जाएगा। एंड ऐसे वाले जो स्टड ईयर रिंग्स या छोटे छोटे ईयर रिंग्स होते हैं ना, आप किसी को गिफ्ट करना है तो गिफ्ट भी कर सकते हो, बिकॉज दे आर एफोर्डेबल। ये है 6.78 ग्राम के, 79,534 रुपीज प्राइस आएगा। 30 सेंट्स के डायमंड्स लगे हैं, IJ कलर है, SI क्लैरिटी है। इट विल बी सेम मोस्टली, सो मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगी। तो मैं प्राइस वेट मेंशन भी कर रही हूँ एज वेल एज आपको टैग भी दिखा रही हूँ, तो आप इनको चेक कर सकते हो। एंड ये जो कलेक्शन है ना, काफ़ी ज़्यादा न्यू कलेक्शन है, दैट्स वाई मैंने ये वाला स्टोर आपके लिए चूज़ किया था। तो कुछ नया एंड यूनिक कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा, तो आपको कुछ पसंद आता है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर है, आप उनको कॉल करके आपका परचेस भी हो जाएगा। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल एंड यूनिक काइंड ऑफ ईयर रिंग्स, 5.37 ग्राम के, 43,640 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली प्राइस आएगा। 10 सेंट्स के डायमंड्स लगे हैं एंड सिंथेटिक पोल लगे हैं, बट इतनी प्यारी ईयर रिंग्स है ना कि ये अगर आपको वेस्टर्न वेयर के ऊपर पहनना है ना, आई थिंक इट विल लुक फैब। अगर आपको किसी पार्टी में जाना है या फंक्शन में जाना है, तो ब्लू स्टोन के पास ना काफ़ी ज़्यादा वेराइटी के ईयर रिंग्स एंड ज्वेलरी पीसेस होते हैं, तो जो लोग मोस्टली यहाँ से परचेस करते हैं उनको पता है इट्स अ ब्यूटिफुल ज्वेलरी। तो ये है ईयर कप, जो कि है 4 ग्राम के, 56,538 रुपीज़ के आसपास प्राइस आएगा। 24 सेंट्स के डायमंड्स है, IJ and SI है। तो फ्रेंड्स, ये ईयर कप के लिए ना मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट आई थी, बट मुझे कहीं भी इतने सुंदर ईयर कप देखने को नहीं मिले थे। सो यहाँ पे ब्लू स्टोन में ये अवेलेबल है, अगर आपको ऐसे वाले कुछ पसंद है तो आप इनको एक बार ज़रूर चेक करना। मूविंग टू द नेक्स्ट एंड वेरी वेरी गॉर्जियस ईयर रिंग्स, जो कि थोड़े से हैंगिंग पैटर्न में आ जाते हैं, 6.19 ग्राम के, 81,807 रुपीज़ के आसपास प्राइस आएगा, जो कि मैं अप्रॉक्सीमेटली प्राइस आपको बता रही हूँ। 34 सेंट्स के डायमंड्स लगे हैं, एंड जितने भी हमारे गोल्ड डायमंड के जो भी प्रोडक्ट्स या ईयर रिंग्स होते हैं, कोई भी ज्वेलरी, इसमें 18 कैरेट गोल्ड यूज़ किया होता है। एंड ऐसे वाले ईयर रिंग्स ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, लाइक अगर आप ड्रेस के ऊपर भी इनको पहन रहे हो ना, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेंगे। तो यहाँ पे ये वाले ईयर रिंग आप देख सकते हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रहे हैं, जहाँ पे पर्ल लगाए हैं। तो किसी को अगर लॉन्ग ईयर रिंग्स पसंद है तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जस्ट 3.72 ग्राम के है, 21,282 रुपीज़ के आसपास प्राइस आएगा। बिफोर यू कमेंटिंग गाइज कि मैंने VA या मेकिंग चार्जेस नहीं बताए हैं, तो ब्लू स्टोन में प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट मेकिंग चार्जेस डिफरेंट होते हैं, तो वो सारा आपको सिस्टम बिल निकाल के उसके ऊपर चेक करना पड़ेगा।
जेन्युइनली अगर आपको कुछ पसंद आता है, परचेज करना है, तो प्लीज स्टोर के नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, तो आपको वहां से पता भी चल जाएगा। उसके बाद ये है हूप ईयरिंग, जो कि मोस्ट लविंग होते हैं। तो गोल्ड एंड डायमंड के लिए भी मुझे बहुत लोगों ने कमेंट्स किए थे कि आपको उसमें कुछ हूप ईयरिंग्स देखने हैं, तो आज का ये कलेक्शन आप मिस मत करना, इनको आप चेक कर सकते हो पसंद आते हैं तो। 5.79 ग्राम के 54,110 रुपीस के आसपास प्राइस आएगा, 22 सेंट्स के डायमंड्स लगे हैं। एंड ऐसे वाले जो हूप ईयरिंग्स होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं, वैकेशन हो या घर या फिर ऑफिस में भी आप इनको पहन सकते हो। अगर हूप ईयरिंग में ही आपको चाहिए थोड़े बिग, जो कि मुझे पर्सनली ऐसे वाले हूप ईयरिंग्स बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, ये है 5 ग्राम के एंड अप्रोक्सीमेटली प्राइस आएगा 71,445 रुपीस। इसमें जो हमने डायमंड्स लगाए हैं वो है ऑलमोस्ट 38 सेंट्स के साइज, यहाँ पे 18 कैरेट गोल्ड वगैरह सब मेंशन किया है, तो आप इनको एक बार चेक कर सकते हो। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ब्लूस्टोन का ये हमारा हैदराबाद का पहला वीडियो एंड कलेक्शन आपको कैसा लगा है। मैंने ट्राई किया कि मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स आपको दिखा दूँ, बिकॉज मैंने इसके पहले भी कलेक्शन आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया था फ्रॉम अहमदाबाद, सो आई नो। एंड आज के वीडियो के जो थोड़े मुझे ज़्यादा अच्छे लगे वो ये वाले स्टड ईयरिंग्स है। तो ब्लूस्टोन की जो ज्वेलरी होती है ना, काफ़ी ज़्यादा यूनिक एंड ट्रेंडी एंड स्टाइलिश ज्वेलरी होती है, जो कि मोस्टली आपको इधर उधर देखने को नहीं मिलती है। 3.28 ग्राम के 59,952 के आसपास अप्रोक्सीमेटली प्राइस आएगा। इसमें लगाए हैं 40 सेंट्स के डायमंड्स। तो फ्रेंड्स, जो भी गोल्ड के रेट है ना, डेली फ्लक्चुएट होते हैं, तो मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली प्राइस आपको बता रही हूँ। इसमें कम ज़्यादा भी थोड़ा हो सकता है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ। एंड आई थिंक अगर आपको बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश एंड ट्रेंडी ईयरिंग्स चाहिए, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, तो आप इनको चेक कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, किसी आपको पार्टी में जाना है स्टाइलिश एंड किसी फंक्शन में जाना है जो कि एकदम कॉलेज लेवल का हो या ऑफिस लेवल का हो, इसमें ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेंगे। ये ईयरिंग्स है 22 कैरेट के, जो कि स्टाइलिश ईयरिंग्स है। 3.6 ग्राम इसका वेट है, 28,707 रुपीस के आसपास प्राइस आएगा। मैं आपको टैग के ऊपर क्लियरली दिखा रही हूँ, ये 22 कैरेट के है। तो फ्रेंड्स, कोड आप कोड से भी चेक कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है ना, कोड चेंज भी होता रहता है, तो बेटर आप या तो कॉल करो या हैदराबाद से हो तो सीधा नेक्सस मॉल में जाओ, उनको स्क्रीनशॉट या फोटो दिखा दो एंड ये वाली सारी ज्वेलरी आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। जैसे आप अदर ज्वेलर्स की ज्वेलरी मेरे वीडियो के थ्रू परचेज कर सकते हो, तो ब्लूस्टोन की भी आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो मैंने आज के वीडियो में ना मिक्स टाइप का कलेक्शन आपको दिखाया है। तो ये वाले आप देख सकते हो, इसमें पर्ल लगाए हैं जो कि सिंथेटिक पर्ल है, बाकी 18 कैरेट येलो गोल्ड हमने इसमें यूज़ किया है। 28,064 रुपीस के आसपास प्राइस आएगा। इसमें डायमंड नहीं लगाए हैं एंड दिस इज़ हाउ इट वॉज लुकिंग ऑन मी। तो पर्ल वाले ईयरिंग्स ना काफ़ी ज़्यादा विजिबल होते, लाइक अगर आप दूर से भी कोई आपको देख रहा है तो एक जो पर्ल होता है ना हैंगिंग वाला, वो विजिबल होता है। तो जिनको पर्ल की ईयरिंग्स पसंद है, इनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। एंड आज के वीडियो के सेकंड मोस्ट गॉर्जियस स्टड ईयरिंग्स, इसके जैसे खूबसूरत ईयरिंग्स ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं ऐसे वाले। 21 सेंट्स के डायमंड्स है, 6.12 ग्राम इसका वेट है, 52,648 के आसपास प्राइस आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको सबका ग्रॉस वेट बता रही हूँ। सो यहाँ पे लगाया है सिंथेटिक पोल एंड बाकी के डायमंड्स लगाए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। आपको अगर पसंद आते हैं तो आप इनको चेक कर सकते हो। उसके बाद ये वाले ईयरिंग्स आप देख सकते हो, 2.58 ग्राम के है, 88,699 रुपीज़ के आसपास प्राइस आएगा। इसमें हमने जो डायमंड्स लगाए हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, 63 सेंट्स के हैं, जिनका GH कलर है, SI क्लैरिटी है। एंड जो बीच का डायमंड है ना, वो आपको थोड़ा सा सॉलिटेयर लुक देगा, तो अगर आपको सॉलिटेयर वाले नहीं चाहिए, बिकॉज सॉलिटेयर वाले जो ईयरिंग्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं, तो दिस इज़ द बेटर ऑप्शन इफ़ यू वॉन्ट टू परचेस एनी काइंड ऑफ ईयरिंग्स। तो आप इसको एक बार ज़रूर चेक करना। ऐसे वाले स्टड ईयरिंग का ना आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बिकॉज फॉर डेली वेयर दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो यस, आप इनको चेक करना एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये कलेक्शन आपको कैसा लगा। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट ईयरिंग्स है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट वाले हैं। तो इनका जो वेट है ना फ्रेंड्स, वो है जस्ट 2.11 ग्राम एंड अप्रोक्सीमेटली प्राइस आएगा 84,877 रुपीज़ के आसपास है। तो इसका जो नेट वेट है जस्ट 2 ग्राम है, 55 सेंट्स के डायमंड्स लगे हैं, जिसका IJ कलर है, SI क्लैरिटी है। तो अगर आपको एकदम क्यूट वाले या छोटे छोटे डायमंड के स्टड्स चाहिए, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप इसको चेक कर सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट गॉर्जियस ईयरिंग्स, तो ये थोड़े से हार्ट इसमें बनाए हैं, जिसके वजह से थोड़े से यूनिक लगते हैं एंड ऊपर थोड़ा फ्लावर पैटर्न दिया है।
52,980 रुपीज़ के आसपास प्राइस आएगा। 2.45 ग्राम इसका वेट है फ्रेंड्स। इसमें डायमंड हमने लगाए हैं 28 सेंट्स के। आईजे कलर है, एसआई क्लैरिटी है। तो ये जो भी ईयरिंग्स मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। तो ये डिपेंड्स ऑन योर चॉइस एंड बजट। इसमें से कुछ भी पसंद आता है तो आप जिनको चेक कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के ऐसे जो लंबे या फिर लॉन्ग ईयरिंग्स है काफ़ी पसंद आते हैं। तो ये है 7.5 ग्राम के, जो कि है ग्रॉस वेट। 57,469 रुपीज़ के आसपास प्राइस है। 10 सेंट्स के डायमंड्स लगे हैं हमने इसमें। एंड जो गोल्ड हमने इसमें यूज़ किया, विच इज़ अ 18 कैरेट येल्लो गोल्ड, एंड कुछ इस तरह से ये लगेंगे पहनने के बाद। बट पार्टी के लिए दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, यू मस्ट हैव टू चेक दिस। मुझे तो ये बड़े प्यारे लगे हैं। जब आप पूरा रेडी होके जाओगे ना, इट विल गिव यू अ फैब लुक। मूविंग टू द नेक्स्ट एंड गोल्ड हुप ईयरिंग्स, तो इसमें थोड़े थोड़े डायमंड्स लगाए हैं जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रहे थे। इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ प्लेन गोल्ड और यहाँ पे डायमंड्स लगाए हैं। 7.74 ग्राम के, 58,340 रुपीज़ के आसपास प्राइस आएगा। गोल्ड यूज़ किया है 18 कैरेट। एंड जो डायमंड हमने इसमें लगाए हैं काफ़ी टाइनी है, जो कि है 20 सेंट्स। आईजे कलर है, एसआई क्लैरिटी है। तो जिनको स्टड ईयरिंग्स पसंद नहीं है या फिर हुप ईयरिंग्स ज़्यादा अच्छे लगते, वो भी छोटे छोटे, इसमें आप इनको ज़रूर चेक कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट माई फर्स्ट वीडियो फ्रॉम ब्लू स्टोन फ्रॉम हैदराबाद। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये स्टाइलिश एंड ट्रेंडी कलेक्शन पसंद आया होगा। बहुत टाइम हम लोग ट्रेडिशनल ज्वेलरी नहीं पहन सकते, सो आई थॉट टू शेयर विथ यू ऑल समथिंग न्यू। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय।